तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? तो आज के ब्रॉल स्टार्स के वीडियो के साथ आज वाली वीडियो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज़ें, बहुत कुछ अपडेट से जुड़ी हुई चीज़ें, कंसेप्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले। आप लोग भी देखने के बाद सोचोगे कि भाई काश आ जाता गेम के अंदर। और अगर आने की बात करें तो भाई बहुत सारे जो कंसेप्ट है, जो भी आइडियाज है, जो भी पहले बना हुआ था, वो बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी गेम पे आ चुका है। तो हम लोग सोच के चल सकते कि भाई आज हम लोग जो भी चीज़ देखने वाले हैं वो एक दिन शायद गेम में देखने को मिले, बिकॉज ब्रॉल स्टार्स का जो ऑफिशियल रेडिट है वहाँ पर गाइस जो भी कम्युनिटी में जो आइडियाज होते हैं वो सब ब्रॉल स्टार्स वाले खुद देखते भी हैं। तो या आज हम लोग देखने वाले रेडिट का एकदम मस्त पोस्ट, जो भी यू नो अपडेट डिमांड है एंड बहुत सारे लोग चाहते भी है। तो या एकदम वीडियो को देखते रहो, और सबसे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो यार प्लीज। सब लोग मिलकर एकदम जोर से लाइक बटन को फोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले कुछ वीडियो में एक दो बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई इतना जोर से लाइक दबा दिया कि फोन का स्क्रीन ही टूट गया, ऐसा कुछ। कितना मस्त बगलोली कर लेते हो यार तुम लोग। तो यार चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड अगर बात करें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई गिव अवे का रिजल्ट कब है, राइट? देखो यार, ये जो गिव अवे का रिजल्ट है, मैं ये पर बता दूं कि यार 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, बिकॉज गाइस जो सुपरसेल इंडिया की तरफ से ये पूरा इवेंट हुआ था। एंड गाइस बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे चैनल्स के साथ, आई मीन बहुत सारे यूट्यूबर्स जो 15 अगस्त में जो चैलेंज हुआ था वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस के बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्रॉल स्टार्स के भी एंड क्लैश रॉयल के भी यूट्यूबर्स थे। तो गाइस कुल मिला के जो अमाउंट होता है, मतलब गोल्ड पास गिव अवे, ब्रॉल पास गिव अवे, बहुत सारा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते टोटल कितना। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हिसाब करोगे तो ये पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये पर सुपरसेल इंडिया एक एक करके सबको दे रहा है, जब मेरे को देगा, जब मुझे देगा, 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। मतलब 5 ब्रॉल पास का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, मतलब कुल मिला के अगर टोटल हिसाब करें तो मेरा ही हो गया 5 ब्रॉल पास का 4,000 रुपीज, ठीक है? तो यहाँ पर जब मुझे सुपरसेल देगा, मतलब गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, मैं आपको तुरंत जो गिव अवे विनर है वो बोल दूंगा, ठीक है? और अगर बात करें कब होगा रिजल्ट गिव अवे, मतलब रिजल्ट गिव अवे नहीं, लॉल गिव अवे का रिजल्ट, तो 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब सुपरसेल मुझे जब ही देगा उसके बाद ही मैं एकदम अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लेना, एकदम मस्त मैं जो अनाउंस करूंगा वो वीडियो के अंदर ही करूंगा, ठीक है? मतलब वीडियो में ही होगा, एकदम लाइव, एकदम मस्त। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। यस, तो यार सबसे पहले जो चीज़ है, जो कि सबसे ज्यादा, मतलब जरूरी है, सबसे ज्यादा डिमांड में से एक है, एंड इस फीचर के बिना लोग, बहुत सारे लोग, आप लोग भी होते होंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे, एंड मुझे अच्छे तरह से एक्सपीरियंस है भाई ये कितना जरूरी है गेम के अंदर, जो कि है गाइस चैंपियनशिप को लेकर। यस, हमारे प्यारे चैंपियनशिप, एंड आप लोग यहां पर इमेज में देख सकते हो कि एटलीस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए एटलीस्ट भाई 8,000 ट्रॉफीज और उससे ज्यादा चाहिए, मतलब ऐसा भाई होनी चाहिए, बिकॉज गाइस रैंडम एंड इतने गंदे नूबड़े, मतलब 1,000 ट्रॉफी भाई, 900 ट्रॉफी जो लोग रैंडम के साथ चले जाते हैं, बहुत सारे बंदों के टीममेट्स होते नहीं है, उसका जो टीममेट्स, मतलब जो दोस्त है वो ऑलरेडी टीम बना चुका होता है। एंड कुछ ऐसे भी बंदे होंगे, आप लोग में से बहुत सारे बंदे होंगे कि गाइस जो रैंडम के साथ खेलते होंगे, और भाई साहब रैंडम पूछो मत। स्टार्टर पैक होगा एक सेली, वो भी विदाउट स्किन, एंड विदाउट स्किन जो भी सेली होता है गाइस उसका मैक्सिमम नुबड़े होते हैं, ये फैक्ट है। विदाउट स्किन जो सेली आएगा, आपके जो रैंडम टीममेट होंगे वो मैक्सिमम टाइम वो नूबड़े होंगे, ठीक है? या फिर तो वो स्टार सेली होगा या फिर वो बैंडिटा सेली होगा, बट गाइस जो नॉर्मल सेली होगा वो एकदम से नूबड़े होगा, ये 99% फैक्ट है गाइस, समझ लो। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी एकदम मस्त है, वो है यहाँ पर व्हिच स्टार पावर शुड आई पिक का ऑप्शन। भाई ये वाला जो मैसेज है ये वाला क्यों नहीं है, मतलब लिटरली जब आप लोग कोई टीममेट ढूंढते हो या फिर अपने दोस्त के साथ खेलते हो तो भाई उस टाइम पे व्हिच ब्रॉलर शुड आई पिक का ऑप्शन होता है, बट व्हिच स्टार पावर शुड आई पिक का ऑप्शन नहीं होता, या फिर व्हिच गैजेट शुड आई पिक का ऑप्शन नहीं होता। तो भाई ऐसा ऑप्शन आ जाना चाहिए, वरना भाई थोड़ा सा दिक्कत तो होता है भाई, बार बार टाइप करते करते ऐसा बोलना, और भाई ये तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है जब आप लोग किसी टीममेट को सर्च करके उसके साथ खेलते हो, बट बिकॉज भाई वहाँ पर भाई आप लोग टाइप नहीं कर सकते, वहाँ पर जो दिया हुआ है वो ही आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो भाई उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। यस, एकदम मस्त। यहाँ पर अगर नेक्स्ट अपडेट कंसेप्ट की बात करें तो भाई वो है क्लब ट्रॉफी रोड। ये सबको पिक्चर देख कर समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मल ट्रॉफी रोड नहीं है, ये क्लब ट्रॉफी रोड, मतलब क्लब के सब बंदे मिलकर इस ट्रॉफी रोड को कंप्लीट करेंगे, एंड जो भी रिवॉर्ड्स है, जो भी आगे रिवॉर्ड्स आता जाएगा वो क्लब के सब बंदों को मिलेगा, और जिस क्लब का जितना ज़्यादा ट्रॉफी होगा मतलब उसका उतना ही टोटल बेनिफिट है। तो भाई ये एकदम भाई ऐसा कुछ चीज़ें आना चाहिए, मतलब क्लब रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आना चाहिए ब्रॉल स्टार्स के अंदर, जितना जल्दी हो सके उतना
अच्छा, बिकॉज क्लब का अभी तक का कोई चीज़ अभी तक नहीं है, अभी तक ब्रॉल स्टार्स के अंदर क्लब के अंदर कोई क्लब फीचर्स नहीं है, और इसलिए ये भी एक बड़ा रीज़न है मैं कोई क्लब अभी तक नहीं बना रहा। ये एक बड़ा रीज़न है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि आरसी भाई आपका क्लब नेम बताओ ना, आपका आप क्लब बनाओ ना, बहुत मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं, लिटरली भाई सच बता रहा हूँ बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई आरसी भाई आपका क्लब बनाओ ना यार, क्यों नहीं बना रहे आप भाई, अभी तो संन्यास ले चुके हो, अब अभी कोई क्लब में नहीं हो। भाई देखो यार, क्लब का कोई फीचर रहेगा अल्टीमेटली, मतलब क्लब मैटर नहीं करता अभी तक, ऑनेस्टली अगर बताए तो गेम के अंदर क्लब उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज आज तुम एक क्लब में हो, कल तुम और एक क्लब में चले गए, ये ऐसे हॉपिंग वगैरह चलता रहता है, और मतलब बहुत सारे हॉपिंग पोचिंग इससे मैं तंग आ चुका हूँ, और मैं अभी तक इसलिए मैं कोई क्लब में नहीं रहा, और देखते हैं भाई आगे जो भी, जब भी भाई अपडेट में क्लब रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा इंटरेस्टिंग, भाई उस दिन आरसी भाई का क्लब हो जाएगा एकदम भाई, लिख के लिख लो ठीक है, मतलब लिख के लिख लो नहीं, लिख के रख लो लॉल। तो यहाँ पर अगला जो अपडेट कंसेप्ट है वो भी एकदम मसालेदार है गाइस, वो है एडिट लॉबी। यस, इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि भाई एडिट लॉबी मतलब आप अपने मन मर्जी से अपने गेम में अपने जो बैकग्राउंड का जो कलर है या फिर जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो आप लोग अपने तरफ से अपने तरीके से वो सेट कर सकते हो। लाइक बहुत सारे सीजनल जो चीज़ें आते हैं, लाइक समर ऑफ मॉन्स्टर, समर ऑफ रोबोट्स, तराज बाजार, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी बहुत ओपी था, या फिर फुटबॉल वाला जो जो अपडेट था, तो भाई अपडेट जाने के बाद वो फिर से डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, लाइक फिर से डिफ़ॉल्ट म्यूजिक एंड फिर से डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, तो वो बहुत सारे लोगों का इन्हों अच्छा नहीं लगता। यस, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो या अपने मन मर्जी से लाइक ऐसे चेंज करते रहने चाहिए, ऐसे एडिटिंग का ऑप्शन रहता तो थोड़ा सा और भी बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताओ एकदम मस्त। तो यहाँ पर अगला जो अपडेट कंसेप्ट है वो है यहाँ पर, पिक्चर को ठीक से देखो, ये वाला पिक्चर को एकदम सही से देखो, पेनी की बिफोर एंड जिनी की जो बिफोर है वो आफ्टर वाला जो पिक्चर है वो काफ़ी बेटर लग रहा है, और इसका रीज़न सिंपल सा है भाई, आउटलाइन जो है ब्रॉलर्स का जो आउटलाइन जो ब्लैक वाला जो बॉर्डर है वो हटा दिया गया है, और उसको हटाने से गाइस काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से, ब्रॉलर्स के जो मॉडल्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, और आई थिंक ये ऐसा थोड़ा आ जाना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब आउटलाइन से समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर आप लोग एग्री करते हो तो बताओ मेरे को एकदम कमेंट सेक्शन में जाके एकदम मस्त। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो अपडेट कंसेप्ट है वो भी किसी से कम नहीं है। यस, वो है यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट गाइस, जिससे कि हम लोगों को पता चले, एटलीस्ट पता चले कि हमारे टीममेट ऑफलाइन है, एएफके है, या फिर उसका जगह उसका बॉट खेल रहा है। आई मीन सीरियसली ब्रो, रैंडम के साथ एंड जो नूबड़े लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं, मैच स्टार्ट होने के बाद चुपचाप खड़ा रहता है, पूरा मैच खड़ा रहता है, लाइक बिग गेम में, 3v3 में, पावर प्ले में, एंड गाइस चैंपियनशिप को तो छोड़ ही दो भाई, उसका मैं बात नहीं कर रहा भाई, 800 500 200 ट्रॉफी वाले आ जाते हैं भाई, किसके साथ, 18,000 19,000 ट्रॉफी वाले प्लेयर के साथ, मतलब लिटरली भाई अगर थोड़ा सा हम लोगों को देखने मिलेगी भाई वो एक्चुअली कर कर रहा है भाई, वो एक्चुअली कर कर रहा है, एएफके है या फिर ऑफलाइन चला गया, उसका अगर इंडिकेटर उसके नाम के बगल में अगर रहेगा ऐसा कुछ फीचर्स तो भाई उससे हम लोगों को पता चल जाएगा, या फिर हमारा टीममेट ही हो जाए भाई, हमारे दोस्त जो हम लोग डुओ खेल रहे हैं तो मेरा टीममेट अगर ऑफलाइन चला गया या फिर एएफके हो गया तो भाई हम लोगों को पता तो चले एटलीस्ट कि भाई कौन खेल रहा है, उसका जगह बॉट खेल रहा है या फिर भूत आके खेल रहा है लॉल। तो यहाँ पर अगला जो अपडेट कंसेप्ट है गाइस वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है यहाँ पर स्प्राउट लवर्स के लिए यार एकदम मस्त। स्प्राउट के सामने जो यहाँ पर गाइस जो कागज है वहां पर जो यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है उसका आंखें एंड मुंह थोड़ा सा एंड आप लोग अगर उसके जगह अपने हिसाब से कुछ डायलॉग लिख पाते या फिर कुछ ड्रॉ कर पाते वहां पर आप लोग देख सकते हो पिक्चर में नीचे जो एडिट का ऑप्शन है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज हो सकता था। यस एकदम मस्त, देखो हर एक स्प्राउट के पास अपने अपने कस्टमाइज का स्प्राउट होता। यस एकदम भाई, कागज के ऊपर अपने अपने डायलॉग लिख देते लाइक 14 इयर्स ओल्ड फेसबुक निब्बा की तरह, माय लाइफ माय रूल्स लॉल। तो यहाँ पर अगला जो अपडेट है वो है यहाँ पर, ये पिक्चर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलना पड़ेगा नहीं। यस मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा एकदम भाई, एक ही झटके में आपको समझ में आ गया होगा, और मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि यार ऐसा अगर कुछ आ जाए तो भाई यार मजा ही आ जाए, बिकॉज फ्री पास वालों को भी थोड़ा सा पिंस मिल जाएगा, ज्यादा नहीं अगर एक या फिर दो ही पिंस मिले, लाइक पुराने कुछ ब्रॉलर्स के या पर कुछ
रेयर पिंस या फिर कुछ एपिक पिंस अगर मिल जाए तो बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, ऐसा कुछ रिवॉर्ड्स आ जाना चाहिए। यस एकदम मस्त। और वरना भाई फ्री में भी बहुत सारे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यस मेगा बॉक्स वगैरह, बट पिंस भी आ जाना चाहिए एक दो, ऐसा मेरा ओपिनियन है और सभी का ओपिनियन होना चाहिए। यस आपको क्या लगता है बताओ एकदम मस्त। तो ये पर आज के लास्ट अपडेट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो भाई वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, एंड आपको देखने के बाद ही आपको भी लगेगा कि भाई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो है यहाँ पर गाइस, ब्रॉल पास रोड एंड होने के बाद आपको जो पर 500 टोकन्स में एक बिग बॉक्स मिलता है उसके जगह अगर ये व्हील आ जाता है एक थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पर घुमाते घुमाते एक, भाई ये चीज़ बहुत ही मस्ती है भाई, मेरी मानो ये चीज़ बहुत ही मस्ती है। लाइक अगर आपको स्मॉल बॉक्स भी मिलता आप लोग एक ना एक थोड़ा सा आप लोग यू नो एक्साइटमेंट रहता कि हाँ भाई मेरे को जिम्स मिल सकता है, मेरे को 10 जिम्स मिल सकता है, मेरे को एक मेगा बॉक्स मिल ही सकता है, मेरे को एक टोकन डबलर मिल ही सकता है। लाइक बिग बॉक्स इस काइंड ठीक ठाक है, बट अगर ऐसा कुछ चीज़ आ जाता तो भाई वो एक बहुत ही अलग चीज़ होता और एक न्यू इंटरेस्ट बन सकता था मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है मेरे को ज़रूर बताओ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट में से एक चीज़ है जो कि आना चाहिए यार एकदम मस्त। तो यार यही था एकदम मस्त आज के वाले वीडियो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक एक लाइक मार देना, यस एक एक लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने भाई लोगों के साथ ऐसे भाई मस्ती भरे कुछ कंसेप्ट अगर, या शेयर कर देना। एंड अगर चैनल पे नए आ रहे हो यार क्या कर रहे हो, चैनल पे अगर नए आ रहे हो भाई मज़ा होता है इस चैनल में यार, सब्सक्राइब मारो, बाजू वाला घंटा को ऑल पे दबा दो, ठीक है दबा दो बस, ठीक है। तो चलते हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यस उसके पहले फीचर कमेंट की अगर बात करें तो आज का फीचर कमेंट है गाइस संकुचित पाल की तरफ से, एक ऐसा गैजेट चाहिए जो यूज करते ही फ्री में ब्रॉल पास मिल जाए, हा 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 ओ भाई हाँ देखते हैं यस सुपर सेल ऐसा चीज के पीछे काम शायद कर रहा है, यस उसके बाद गेम को पूरा लुटा देना है गाइस तो चलते मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।